देखिए यहाँ पे दिया है कि इफ वाई इक्वल टू में है कॉस इनवर्स 2x-3 √1-x² बाई में √13, तो हमें क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। यहाँ पर एक काम करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1-x² दिख रहा है यहाँ पे, तो एक काम करें इसमें पुट कर देते हैं, हम लोग पुट कर देते हैं इसमें x के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं कॉस थीटा। ऐसे साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2cos θ-3 √1- का कॉस स्क्वायर थीटा और बाई में √13। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, y इक्वल टू में कॉस इनवर्स, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड करते हैं, चाहे पहले एक स्टेप लिख लेते हैं 2cos θ-3 साइन थीटा यहाँ लिख सकते हैं और बाई में √13। अब अलग अलग डिवाइड करते हैं, देखिए क्या होता है, y इक्वल टू में कॉस इनवर्स कॉस थीटा इंटू 2/√13 और माइनस साइन थीटा इंटू में 3/√13। आप देखिए इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर सपोज कर लें साइन अल्फा या कॉस अल्फा को 2/√13, तो अगर आप साइन अल्फा निकालोगे ना तो वह आएगा 3/√13। तो यहाँ से वाई इक्वल टू में लिख सकते हो आप कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, इधर यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ वाई इक्वल टू में हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस अल्फा, कॉस इनवर्स से कॉस हटा देंगे तो y इक्वल टू में थीटा प्लस अल्फा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए कॉस इनवर्स x और अल्फा तो कांस्टेंट है ही, या चाहे ये लिख सकते हैं उसके लिए, लेकिन डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy/dx इक्वल टू में आ जाएगा -1/√1-x² और +0, है ना, तो dy/dx हमें यहाँ पे मिल गया -1/√1-x², समझ गए। नेक्स्ट